चलिए बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी आलू के पकौड़े बिल्कुल आसान तरीके से। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आलू को हम छील करके ले लेंगे। अब इसको हम स्लाइस में कट करेंगे इस तरह से। इसे ना तो ज़्यादा मोटा रखें ना ज़्यादा पतला। देख सकते हैं इतना पतला रखेंगे इसे। इन सभी आलू को कट करने के बाद इसे हम 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो के साफ कर लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे बेसन, इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच डाल देंगे इसमें अजवाइन। इन सभी को एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें डालेंगे पानी, पानी डाल के इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जिससे कि इसमें एक भी गुठली ना रहे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा बेकिंग सोडा और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बैटर को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। आलू को इसमें कोट करेंगे और इसके बाद इसे तेल में डाल देंगे। इस तरह से कोट कर लेना है, इसके बाद इसे गर्म तेल में डालते जाएंगे। पकौड़े जब नीचे से सिक जाए इसके बाद इसे पलट के दोनों तरफ से बिल्कुल क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं आलू का पकौड़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे निकाल के हम सर्व कर लेंगे। अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से पकौड़े को हमने तैयार कर लिया है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। एक पकौड़े को हम तोड़ के भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं आलू बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट है आलू।